नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं ग्राम चरोली चक अशोकनगर जिले के तहत। यहाँ पे हम मेरी पूरी टीम के साथ सीनियर जूनियर सब लोग साथ आए हुए हैं और हम यहाँ पे किसान से पूछेंगे इन्होंने हमारे खाद दवाइयाँ इस्तेमाल की थी क्या क्या इस्तेमाल। मैं रघुवीर सिंह कुशवा, मेरे सीनियर दिनेश जाटव जी, रामबाबू कुशवा जी, हरि सिंह जाटव जी मैडम और अमित सर सभी एक साथ। वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम सरिता पवार है। हम लोग जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं फूलों की खेती में आए हुए हैं। ये भाई साहब हमारे साथ हैं जिन्होंने फूल लगाए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रामबाबू कुशवा। रामबाबू कुशवा जी हमारे साथ हैं। ये फूल आपने जो लगाए हैं ये कितने दिन के हो गए हैं? 55-60 दिन के करीब पौधा है ये। अच्छा, इसमें क्या क्या डाला था आपने? DAP और जो किट मिली थी उसमें से जो भी था अपना वो एक बार स्प्रे इसमें करवाया है। अच्छा, ये भाई साहब हमको बता रहे हैं इन्होंने हिप्पो का खाद यूज करा था, हिप्पो का स्प्रे इन्होंने करा था, जो किट इनको दी गई थी उसका स्प्रे उन्होंने करा था। तो कैसा रिजल्ट लगा आपको? बहुत बढ़िया रिजल्ट है और साल से मतलब 2-3 साल से फूल लगा रहे हैं। हाँ। इस बार फूल बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा खिल रहा है, पौधे भी अच्छे हैं, मजबूत हैं और कोई बीमारी नहीं है इनमें फूलों में। वैसे और साल और अलग स्प्रे करना पड़ता था और इस बार अच्छी फसल। फूल लगाते तो हैं पर इतना अच्छा उत्पादन इनको नहीं मिलता है। अच्छा, अभी इसमें कितना उत्पादन मिल रहा है आपको? 30-40 किलो करीब निकल रहे हैं फूल, थोड़ी सी जगह में, 1-2 बिस्वा में ही है ये, ज़्यादा जगह नहीं है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत कम जगह में फूल लगाए हुए हैं, मतलब कि 1 बीघा जमीन भी नहीं है ये, उससे भी कम है, आधा बीघा से भी कम जमे में जगह में इन्होंने फूल की खेती की है। तो इसमें भी 30 से 40 किलो रोज के फूल इनके निकल रहे हैं। इतने रोज निकल पा रहे हैं जी। अभी इसकी तुड़ाई आपने? हाँ, अभी कल टूटे थे, कल ही इन्होंने तुड़ाई करवाई है। तुड़ाई हो रही है। कल कितने किलो फूल लगभग निकले इसमें? 25-30 किलो तोड़े थे कल। कल 25-30 किलो फूल इन्होंने तोड़ लिए हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ब्यूटी देखिए कितनी शानदार, हर तरफ फूल ही फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तुड़ाई करने के बाद 25-30 किलो फूल इसमें से टूट चुके हैं और जैसे कि आप देखें, अगर यहाँ से देखें ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल फूल है, लग ही नहीं रहा कि एकदम ओरिजिनल है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, ये देखिए, मतलब ये लग ही नहीं रहा कि ये ओरिजिनल फूल है, ऐसा लग रहा है ये प्लास्टिक के हैं, बट ये प्लास्टिक के नहीं है। ये देखिए, ये एक्चुअल फूल है। ये हमने आपको दिखाने के लिए स्पेशली तोड़कर दिखा रहे हैं कि कितने बढ़िया हैं, कितनी शानदार ग्रोथ है। तो आप खुश हैं इससे? जी। आप और किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहती है कि जो भी किसान है, और अदर फसल में भी हमने डाला था, मक्का सोयाबीन में, अच्छा, साग सब्जी भी लगाते हैं, उनका भी बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा, और कौन-कौन सी सब्जी में डाला था आपने? टमाटर, मिर्ची, बैगन वगैरह लगाए थे तो उनमें यूज किया इसको, मतलब सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। ये भाई साहब हमको बता रहे हैं इन्होंने केवल फूल में ही नहीं, मक्का में, टमाटर में, सब्जियों में भी, बैंगन भी आई थिंक आपने लगाए थे ना, बैंगन में, गिलकी में, टमाटर में, उनमें सभी में इनको बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं। और किसान भाइयों को भी आप यही कहेंगे कि वो भी इसको उपयोग करें जी। तो और किसान भाई भी एक बार हिप्पो के खाद का, DOP का, सुपर का स्प्रे जरूर करें। धन्यवाद।